लड़की अपने साथियों को लेकर एक पुरानी गुफा के द्वार पर आती है तो यह सब लोग घबराहट के मारे गुफा के अंदर देखते हैं। तो गुफा के अंदर इन लोगों को सर पर सिंह वाला घोड़ा दिखाई देता है। फिर लड़की इस घोड़े को बोलती है कि बाहर आ जाओ। अब घोड़ा जो बहुत ही समझदार होता है वो इस लड़की की आवाज़ सुन लेता है और सब लोगों को देखकर बाहर की ओर भागने लगता है और घोड़े की रफ्तार बहुत ही तेज होती है। जैसे जैसे घोड़ा इन लोगों की तरफ बढ़ता है तो पीछे खड़े दोनों लड़के डर जाते हैं और लड़की की मम्मी भी लड़की के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। तभी लड़की अपनी जेब से कैंडी निकलती है और उसको घोड़े के सामने देती है। घोड़े ने जैसे ही कैंडी को देखा तभी वह रुक जाता है और कैंडी की खुशबू सौंघ कर जमीन पर बड़ी सारी कैंडी खा लेता है। लेकिन जब घोड़ा लड़की की तरफ पड़ता है तो लड़की अपने जेब से कैंडी का एक पैकेट निकलती है और उसको अपने हाथ पर रख कर घोड़े को खिला देती है और फिर लड़की खुश होकर इस घोड़े के सिर पर हाथ फेरती है। तभी घोड़ा अपना मुंह ऊपर उठाकर जोर जोर से चिल्लाता है तो इसकी आवाज सुनकर इसके साथ ही घोड़े भागकर इन लोगों की तरफ आने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि सारे शहर के अंदर राक्षस तरनाक दिखने वाले घोड़े को देखकर शहर छोड़कर भाग जाते हैं।